पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पिछले कुछ समय से बीमार हैं और उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए नारायण के सनातन मंदिर में शिव अभिषेक किया गया, जिसमें दिन भर 1,00,000 से अधिक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है, जिसमें कई बीजेपी नेता शामिल हुए। बीजेपी में वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली लंबे समय से बीमार हैं। ऐसे में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए इंद्रप्रस्थ संजीवनी संस्था ने महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 11 पंडित जी दिन भर गंगा जल से यज्ञ में जुटे रहे। इस दौरान मंत्रोच्चारण होता रहा है। आयोजक की माने तो उनका दावा है कि इस यज्ञ से वे जल्द स्वस्थ होंगे। संजीव जी, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं महामृत्युंजय, देखिए अरुण जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और माननीय अरुण जी नारायणा के निवासी रहे हैं और हम नारायणा के सभी लोग इंद्रप्रस्थ संजीवनी के साथ उनका स्नेह वो काफ़ी समय से है, पिछले 25 वर्षों से 13 साल से उनका जो प्यार है उसी प्यार के चलते आज पूरी NGO पूरा नारायणा समाज जो है यहाँ पर एकत्रित हुआ है सनातन धर्म मंदिर में और 1,08,000 महामृत्युंजय के जाप हो रहे हैं। यहाँ पे शिव अभिषेक हो रहा है, जो हल्की पौड़ी से लाया हुआ गंगा जल है उससे अभिषेक हो रहा है और हम ये चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना है, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वो जल्द स्वस्थ हो और जिस तरह पहले वो काम करते रहे हैं वैसे ही करें। देश को आज ज़रूरत है ऐसे होनहार लीडर की और हमारे तो बहुत ही प्रिय हैं और हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसीलिए आज कामना कर रहे हैं, मनोकामना है और दीर्घायु हो और स्वस्थ हो। सारा दिन आज इस तरह से भैया ये पूरा दिन चल सकता है और यहाँ पर हमने 11 पंडित आए हैं, 11 पंडितों के अलावा हमारे जो NGO के सभी मेंबर्स हैं 150 मेंबर्स वो भी जाप कर रहे हैं और जितनी देर लगे हम जाप करेंगे और 1,08,000 से ऊपर ही होंगे, 1,08,000 से नीचे नहीं होंगे। इस यज्ञ में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए, जिसमें RP सिंह, जयप्रकाश और साउथ MCD की मेयर शामिल हुए।